दोस्तों आसिम रियाज के पिता रियाज अहमद चौधरी ने खुलासा किया कि आसिम पर किसने जानलेवा हमला किया, कौन है वे बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रात 11 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने अपनी बाइक से आसिम की साइकिल के पीछे टक्कर मार दी थी, जिसके बाद तुरंत आसिम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए स्टोरी अपलोड कर इस बात की जानकारी दी थी। और इसके बाद आज सुबह से आसिम के तमाम फैंस आसिम के लिए दुआएं कर रहे हैं। अब ऐसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आसिम के पिता रियाज अहमद चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जम्मू के सिदरा ब्रिज पर आसिम साइकिलिंग कर रहे थे तो उसी दौरान नफरत से भरे कुछ असामाजिक तत्वों ने आसिम से पूछा कैसे हो, तो इसके जवाब में आसिम ने विनम्रता से उनको बोला मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक उन्होंने आपराधिक इरादे से आसिम की साइकिल का पीछा किया और सिदरा ब्रिज के पास बाइक से टक्कर मार दी और कहा शुक्र है खुदा का कि आसिम को चोटें नहीं आई हैं। आपको बता दें कि आसिम ने खुद पुलिस वालों को इस बारे में जानकारी दी है। सो गाइस अब आप लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।